हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, आज के प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं जो डीएनए होता है उसका 3D मॉडल। तो उसके लिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें ड्राई क्ले लेना होगा। ये मार्केट में लगभग 40 to 45 rupees में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों, अच्छे तरीके से एक एक चीज़ बारीकी से देखिएगा, हम एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जो रेड कलर वाला फ्रेंड्स, ये जो क्ले है तो कुछ इस प्रकार से फोल्ड करके काफ़ी रोल करना होगा और बिल्कुल इसे एक पेंसिल के टाइप में इसे शेप दे देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ इस प्रकार से हमें ब्लेड्स फ्रेंड्स कट करना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें कट हो गया। टोटल 6 से 7 पीस इनफ है। देखिए, ये वैसे ही हमने ग्रे कलर का जो है, ग्रीन कलर वाला, उस क्ले को हमने कुछ इस प्रकार से हमें कट कर दिया है। देखिए, ये फ्रेंड्स जो हम कट कर रहे हैं, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकिनिन और थायमिन, ये चार जो डीएनए के अंदर जो हम लोग का बॉन्ड बनता है, कुछ इस प्रकार से हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये हमने ग्रीन वाला और रेड वाला कंबाइन कर दिया है। फ्रेंड्स, रेड वाला को हम एडेनिन मानेंगे तो जो ग्रीन वाला है वो थायमिन होगा, कि एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाता है दोस्तों। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये और ऑरेंज वाला अगर हम ग्वानिन मान लें तो ये जो होगा साइटोकाइनिन होगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें बॉन्ड बना लेना है फ्रेंड्स। ये 3D मॉडल है, ज़्यादातर जो बुक्स होता है तो उसमें फ्रेंड्स ये जो 2D मॉडल होता है उसे हम इजीली समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैं इसे 3D बनाकर दिखा लेता हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी ईजी हो जाए। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हम इसका जो आउटर लेयर है वो हम बनाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये फ्रेंड्स जैसा कि क्ले है तो इसको सटाने के लिए कोई भी गोंद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तुरंत इजीली ही चिपक जाएगा। ये देखिए, किसी प्रकार की गोंद नहीं, सिर्फ ऐसे पकड़ा करके हम 5 मिनट सिर्फ छोड़ेंगे और ये काफ़ी हमारा इजीली बन जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार का डीएनए होता है जैसे कि आप बुक में देखे ही होंगे, कुछ इस प्रकार से हमें बॉन्ड करना है और ये आधा घंटे के बाद कुछ इस प्रकार से सूख जाएगा और ये काफ़ी टाइटली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे रखते हैं साइड में। और ये है एक माउंटेन ड्यू का एक बोतल, तो इसी से हम इस जो डीएनए का 3D मॉडल है उसका स्टैंड बनाने वाला है। सबसे पहले इसे कट कर देना होगा। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया और यहाँ पे हम लगाते हैं स्विच, तो उसके लिए एक स्पेस दे देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमने एक कट कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्टैंड है उसका जो हम लोग कैप बनाने वाले हैं, ये देखिए एक जो ढक्कन है उसकी सहायता से हमने एक सर्कुलर डिजाइन दे करके इसे कट कर लिया है सीजर के हेल्प से। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 9th में पढ़ते हैं और उन्हें ये आप इजीली साइंस प्रोजेक्ट में आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये STS स्विच है और ये जो है कनेक्टर है हमारे बैटरी का। ये देखिए फ्रेंड्स, कनेक्शन ध्यान से समझिएगा, ये जो बैटरी का कनेक्शन का जो रेड वायर है वो एक हमें स्विच में दे देना होगा। एक हमने स्विच में कनेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स। ऐसा एक पिंक कलर का वायर लेंगे और ठीक स्विच के जो बाहर ऐसे कुछ इस प्रकार से हमें इंसर्ट कर लेना है, और एक जो टर्मिनल है पिंक वायर का हमें दूसरे स्विच के टर्मिनल में कनेक्ट कर देना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से आपको ईजिली समझ में, काफ़ी ईजी है ये। अब ये देखिए, ये जो ब्लैक वाला वायर है उसे हम बोतल का जो कैप है इसके ऊपर से निकालेंगे। ये देखिए, हमने ले लिया है। और ये जो सॉरी पिंक वाला है उसे भी हम कैप से ऊपर निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये दो वायर हम लोग का निकल गई। अब यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले हैं एक DC मोटर जो हमारे मॉडल को काफ़ी सुंदर 3D रूप में रोटेट कराएगा और दिखाएगा हर एक पार्ट। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से इंसर्ट कर लिया है, काफी ये सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये हम DC मोटर ले लिए हैं, ये 3 वाट का है और ये काफी सुंदर घूमता है और बहुत ही कम बिजली खाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मोटर में ऐसा प्लस माइनस नहीं होता, आप कोई कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं, बस इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं और इसे अब हम जाम करते हैं ग्लू गन के हेल्प से। तो ग्लू मैं काफ़ी अंदर इसके डाल देता हूँ, काफ़ी इसे
कुछ इन साइड से मैं कर लेता हूँ इसे ग्लू। ये देखिए अब ये बिल्कुल अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, बिल्कुल अब ये फिक्स हो गया है। फ्रेंड्स ये 9 वाट का बैटरी है, जैसा कि आप जानते हैं ये जो रिमोट कंट्रोल टॉयज होते हैं उसमें होती है, और जो भी इलेक्ट्रिकल जो टॉयज होते हैं उसमें ये होती है। ये देखिए ये कैप के ऊपर हमने ग्लूगन लगा लिया है, अब यहीं पर हम बैटरी फिक्स करने वाले हैं। ये देखिए ये हमने फिक्स कर लिया है, अब इस बोतल को भी हमें फिक्स करना है तो हमें आरी लगाना ही पड़ेगा ग्लूगन। ये देखिए जैसे मैं स्विच देता हूँ ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। फ्रेंड्स ये जो है आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी लकड़ी इस डिजाइन का ले सकते हैं, जो कैरम बोर्ड का जो होता है वो भी। और ये देखिए यहाँ पे हम स्टिक फेबिक स्टिक की सहायता से इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल पकड़ चुका है अच्छे से, और कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे हमने ग्लूगन ऊपर से डाल दिया है ताकि इसका पकड़ जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाए। ये देखिए दोस्तों ये जो डबल कैप है ठीक इसके ऊपर हमें एक प्लेट की तरह अरेंज करना है, क्योंकि इसी प्लेट के ऊपर जो हमारा डबल हेलिक्स जो डीएनए मॉडल है 3D में वो हमारा रोटेट करने वाला है, उसके लिए काफ़ी मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए दोस्तों ये देखिए बिल्कुल हमारा रेडी है, इस थोड़ा सा हम पेंट कर देते हैं ताकि ये और ज़्यादा डेसिंग लुक दे। ये देखिए हमने नीचे भी पेंट कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स ये पेंटिंग हो गया हमारा, अब थोड़ा सा और डेकोरेटिव कर देते हैं। ये जो गिफ्ट पैकिंग करने वाला डेकोरेटिव टेप होता है दोस्तों ये हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमने चार ओर इसको लपेट देना है। फ्रेंड्स ये किसी भी तरीके से ये होममेड नहीं बल्कि ये जो मार्केट में फ्रेंड्स एक तो ये मिलता नहीं है और उससे भी बेटर लग रहा है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी अच्छे से तरीके से कर रहा है काम अपना। अब यहीं पर हमें बनाना है ये डबल मॉडल, यहीं पर हम स्टैंड दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ये हमने रेडी कर लिया है। अब ये देखिए फ्रेंड्स देख रहे हैं काफ़ी सुंदर रोटेट कर रहा है ये, और ये चारों ओर से ये घूम करके डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो हमें दिखा रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डीएनए के बारे में समझा देता हूँ। ये है डीएनए, इसका जो फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है ठीक है। तो डीएनए का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूँ आपको तो कुछ ऐसा बनेगा, इसे हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं दोस्तों। देखिए कुछ ऐसा थोड़ा मैं दिखा दूँ, कुछ इस प्रकार से ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है आप देख सकते हो। और इसमें चार होते हैं, पहला यूरिन ग्वानिन साइटोकाइनिन और थायमिन। तो देखिए एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ कोलाइड बॉन्ड बनाता है, और ये जो है ग्वानिन है वो साइटोकाइनिन के साथ ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड बनाता है। तो देखिए जैसे ये एडेनिन है तो इसके साथ जो हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा ग्वानिन, ये ऐसे इसे ऐसे कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा बनाता है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि हमने आपको 3D मॉडल में बना करके दिखाया था कुछ इस प्रकार से। ये एडेनिन है तो ये थायमिन है, ये ग्वानिन है तो ये साइटोकाइनिन है, फिर से ये एडेनिन है ये ग्वानिन है, एडेनिन है तो ये थायमिन हो गया, ये साइटोकाइनिन है तो ये ग्वानिन है, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। जिस प्रकार से दोस्तों ये अलग अलग जैसे हम सभी जीव हैं उस प्रकार से ये सबका डीएनए अलग अलग होता है, अगर सबके अगर डीएनए एक ही जैसा हो जाएंगे तो सब कोई का जो बिहेवियर है फ्रेंड्स जो कलर है बॉडी है सब एक ही प्रकार का हो जाएगा। इसलिए हम सब जानते हैं कि सभी मनुष्य भिन्न हैं, इसलिए सबका डीएनए भिन्न होता है। तो इसी को हमने अपने मॉडल में समझाने का पूरा अच्छे से कोशिश किया है। चलिए देखते हैं।